यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्रेन के कुछ हिस्सों में धीरे 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 डैमेज होना शुरू हो जाता है। कुछ वर्षों में ये डैमेज काफ़ी बढ़ के बीमारी का रूप ले लेता है। मैं डॉक्टर नितिन कुमार गुप्ता, न्यूरोफिजिशियन मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर से, आज मैं आपसे पार्किंसन रोग के बारे में चर्चा करूँगा। पार्किंसन रोग एक न्यूरोलॉजी की बीमारी होती है जिसमें ब्रेन के कुछ एक हिस्सों में जहाँ से मूवमेंट कंट्रोल होता है वहाँ से एक रसायन जिसे हम डोपामिन कहते हैं उसकी धीरे धीरे कमी होने लगती है। यह जो कमी होती है इसलिए होती है क्योंकि जो कोशिकाएं इस द्रव्य को बनाती हैं उनका धीरे धीरे ह्रास होने लगता है और पेशेंट को मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, इसीलिए पार्किंसंस को मूवमेंट डिसऑर्डर भी कहा जाता है। पार्किंसन रोग के मुख्य लक्षण होते हैं स्लोनेस आ जाना, धीमापन आ जाना। डे टू डे एक्टिविटी में हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं जैसे चाय पीना है, कपड़े बदलना है, बटन खोलना है, रोटी तोड़ना है, तो ये हाथ से रिलेटेड एक्टिविटी हो गई, इन सब में स्लोनेस आ जाती है। राइटिंग स्लो होना, पैरों की चाल स्लो होना, छोटे छोटे कदम से चलना, चलते वक्त बैलेंस की प्रॉब्लम लगना, खासकर जब आप मुड़ रहे हैं उस टाइम ऐसा गिरने का सा एहसास होना, या हाथ पैरों के अंदर स्टिफनेस आ जाना, कड़कपन आ जाना, मतलब मूवमेंट्स का स्मूथ नहीं रहना। जैसे मैं अभी मैंने हाथ हिलाया तो ये मूवमेंट बहुत स्मूथ है, पार्किंसन में ये चीज़ बहुत स्लो हो जाती है और थोड़ा स्टिफनेस भी आ जाती है। सो प्रमुख लक्षण में अपन माने तो धीमापन हो गया, कड़कपन हो गया, बैलेंस की प्रॉब्लम हो गई और एक कंपन। सामान्यतः रेस्ट पे कंपन होता है, जैसे हाथ का बैठे 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 हिलते रहना, ये सब वो भी एक हिस्से में, जनरली पार्किंसन बीमारी में एक हिस्से में कंपन शुरू होता है तो एक हिस्से का कंपन भी इसका एक प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य लक्षण हैं जिनको हम नॉन मोटर सिम्टम्स भी बोलते हैं, जैसे नींद की कमी का होना, पूर्ण रूप से नींद नहीं आना, कब्जी का रहना, इसके अलावा रात को नींदों में बड़बड़ाना या आवाज़ें, मतलब पेशेंट को नहीं पता होता है लेकिन वो आवाज़ें निकालता है, या हाथ पैर हिलाना नींदों में, ये सब पार्किंसन के अन्य लक्षण भी होते हैं। पार्किंसन बीमारी के इलाज में प्रमुख जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम दवाइयों का उपयोग करते हैं। ये दवाइयाँ शरीर में डोपामिन का लेवल बढ़ाती हैं। इन दवाइयों को लगभग 3 से 4 बार मरीज को खाना होता है जिससे उसकी बॉडी में एक डोपामिन का एक लेवल जो है बना रहे, उससे लक्षणों में काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। और इस ये जो दवाइयां हैं डॉक्टर अपने विवेक से पेशेंट की प्रोफाइल देख के, उसके लीवर किडनी फंक्शंस क्या हैं उसके हिसाब से वो दवाइयों का निर्णय करता है। तो दवाइयों के अलावा इसमें जो है इन चीज़ों का भी रोल होता है कि फिजिकल आपकी एक्सरसाइज क्या है, फिजिकल एंड्योरेंस जिसे हम कहते हैं, आपकी जो मूवमेंट्स आप डेली करते रहें, वॉक पे जाएं, इसके अलावा स्पीच थेरेपी का इसमें रोल होता है कि जैसे इस बीमारी में मसल्स स्लो हो जाती हैं वैसे आवाज़ का वॉल्यूम भी स्लो हो जाता है, इसलिए इसमें स्पीच थेरेपी का भी रोल है। इसमें म्यूज़िक थेरेपी, अन्य नई नई मोडालिटीज़ आ रही हैं जो कि हम कहते हैं कि नॉन फार्मेकोलॉजिकल है, दवाइयों के अन्य भी सब तरह की ये मेडिसिन्स होती हैं, तरीके होते हैं जिनसे पेशेंट को फ़ायदा होता है। इसमें हमें ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इसमें फिजिकल एक्सरसाइज का सबसे अच्छा ज़्यादा रोल होता है और ये भी सुनिश्चित करना होता है कि हम किस तरह से एक्सरसाइज कराएं क्योंकि इस बीमारी में फॉल का रिस्क भी रहता है। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि जितना अच्छा फिजिकल एक्टिविटी इस बीमारी में रहती है, इस बीमारी को हराने में व्यक्ति उतना ही अधिक सफल होता है। इसके अलावा कुछ अन्य ट्रीटमेंट भी आजकल आए हैं जिसे हम जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं जिन्हें हम DBS कहते हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं। इसमें डॉक्टर पहले पात्रता सुनिश्चित करता है कि ये इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज़ ही है, पार्किंसन प्लस नहीं है। उसके अलावा वो लोग जिनमें
कुछ एक लक्षणों के आधार पर कि जिनमें ऑफ पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि जब दवाई बॉडी में है तब तो वो काम कर रही है डोपामिन की दवाई, लेकिन उसका असर लंबा नहीं चलता है तो जल्दी से ही वो वापस से एकदम स्लोनेस आ जाती है, या कुछ एक क्राइटेरिया जो डॉक्टर्स हैं वो करके ये पद्धति अपनाते हैं सूटेबल कैंडिडेट में, जिसमें ब्रेन में जो ये मूवमेंट वाले एरिया हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया जाता है। ये न्यूरोसर्जरी का एक टास्क रहता है और इसके भी बहुत अच्छे एक रिवोल्यूशनरी ये ट्रीटमेंट है। पार्किंसन जो न्यूरोलॉजिकल बीमारी है वह एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, जैसे मैंने आपको बताया यह वक्त के साथ बढ़ती रहती है। इसका हमारे पास कोई प्रभावी क्योर नहीं है, मतलब अंतिम निदान नहीं है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और आपको पार्किंसन के बारे में इसलिए जानना चाहिए ताकि आपके परिवार या पड़ोस में किसी को भी इस तरह के लक्षण हो तो आप उसका समय पर इलाज शुरू कर पाए। और इसका इलाज जो है वो काफ़ी प्रभावी, लक्षणों के एंगल से काफ़ी प्रभावी है। अगर पेशेंट का समय पर इलाज शुरू हो जाता है तो उसकी लाइफस्टाइल में काफ़ी माकूल चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो हमें पार्किंसन के बारे में जितना अधिक हो जानना चाहिए।